ब्रोकन हार्ट में मैं एक बार फिर से आपका खैर मकदम करता हूं दोस्तों। पुराने मकानों को मिसमार कर नई ऊंची इमारतें बनाने लगे, जहां दूर दराज से आए लोगों ने पनाह लेना शुरू किया। हॉस्टल में तैयार होने का दो ही वक्त था, सुबह कॉलेज जाते वक्त और शाम कम्युनिटी सेंटर। नसीम भाई और हम सभी लोग कॉलेज से पैदल ही कम्युनिटी सेंटर के लिए रवाना हो जाते। रास्ते में अपने अपने ख्वाबों की ताबीर निकालते, नए पुराने दोस्तों के साथ जिंदगी एक रफ्तार के साथ चलने लगी। दिन ब दिन खाली जगहों पे ऊंची ऊंची इमारतें बनने लगी। शाहीन बाग में रहने वाले मजदूर और गरीब होते गए और उनका आशियाना दिन ब दिन दूर दराज के इलाके में शिफ्ट होता चला गया। साल के आखिर में हॉस्टल खाली होने लगे और पुराने लोग वक्त की भीड़ में कहीं गुम होने लगे। कुछ एक ब्लू लाइन की बसों में लटके जरिया मुआश के तलाश में निकल पड़ते। चार आने की पानी की बोतल 50 पैसे में मिलने लगी। हर कोई अपने पेजर को कमर में लटकाए घूम रहा था। अक्सर लाइब्रेरी में हम साथ ही बैठते। बैठे बैठे मैं परेशान हो जाता, लेकिन नसीम भाई हिलते भी नहीं थे। उनकी मेहनत रंग लाई और वो मास्कम के स्टूडेंट हो गए। मीडिया की दुनिया में वो हमेशा कुछ नया करना चाहते थे। हमारी दुनिया कुछ अलग सी हो गई, पर हम वक्तन फवक्तन मिलते और रोजमर्रा की ढेर सारी बातें करते। हमें पता नहीं दिन महीने साल में तब्दील होता गया और सामने एग्जाम की घड़ियां खड़ी थी। नसीम भाई अपने ख्वाब को लेकर परवास कर चुके थे। कामयाबी की बुलंदी की नई दास्तान वो
लिखने लगे। दोस्तों, कल इसी वक्त एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा नसीम भाई की यादों के साथ। इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।